उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नेताओं की बयानबाजी से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर कैराना और मुजफ्फरनगर के जरिए पश्चिमी यूपी में वोटों को साधते हुए विपक्ष को घेरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि ये सब गर्मी शांत हो जाएगी, मैं मई और जून को भी शिमला बना दूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हापुड़ के पिलखुआ में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इशारों इशारों में ही विपक्षियों पर जोरदार प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा, ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, मैं मई और जून में भी इसको शिमला बना देता हूँ। सीएम योगी बीते कुछ दिनों में सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों पर लगातार तंज कस रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीएम योगी और अखिलेश यादव की तरफ से लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी इस बार में अखिलेश यादव पर भारी पड़ रहे हैं। शनिवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी को घेरते हुए एक ट्वीट किया गया था। उन्होंने लिखा, चोला समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी, सभी को मिला तो तमंचावादी। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक अन्य ट्वीट किया, पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट पर बख्श दो की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होने के कारण इन दिनों सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस कैराना, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद जैसे जिलों पर है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।